हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक कक्ष में विधायक उमेश शर्मा काऊ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रायपुर क्षेत्र वासियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर क्षेत्र के विकास के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारा ध्येय है तथा राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता की सरकार है। प्रदेश की जनता ने जनादेश तथा आशीर्वाद देकर प्रदेश में इतिहास बनाया है। 5 साल में सरकार बदले जाने का मिथक भी तोड़ा है। यह मिथक उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भी बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में 2014 से यह व्यवस्था बन रही है। सीएम धामी ने कहा कि हमें जनता के आशीर्वाद का पूरा भरोसा था। जनता के इस भरोसे को समर्पित भाव से निरंतर कार्य में संलग्न रहते कायम रखने का हमारा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाए इसके लिए सभी को सहयोगी बनना होगा। सभी के सहयोग से हम राज्य के समग्र विकास की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। सीएम धामी ने अपेक्षा की कि क्षेत्रवासी जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहयोगी बने ताकि योजनाएं शीघ्र धरातल पर दिखाई दे तथा उनका लाभ जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्हें जनता की सेवा करने का पुनः मौका मिला है। हमारे वादों के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे तथा माताओं तथा बहनों को 1 वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर देने पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं, राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ उन्हें पूर्ण करने का कार्य करेगी। धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था की जाएगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, होगा। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों का 1 दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है, जो पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया है। इससे सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मजबूत आधार है। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे। हम अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुसरण कर उनकी सुविधाओं के प्रति सजगता से कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।